केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। गरुड़ों ने विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर भागलपुर का नाम किया अंकित। नवगछिया अनुमंडल का कदवा क्षेत्र है गरुड़ के प्रजनन का सबसे बड़ा केंद्र। भागलपुर में गरुड़ों का जत्था लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में करीब 1600 गरुड़ हैं, इनमें से 600 के करीब सिर्फ भागलपुर में हैं। नवगछिया अनुमंडल का कदवा क्षेत्र गरुड़ का प्रजनन केंद्र है। वन विभाग के अनुसार कदवा क्षेत्र विश्व का तीसरा व भारत का दूसरा प्रजनन स्थल है। ठंड के मौसम में बड़े बड़े बरगद व पीपल के पेड़ों पर अपना डेरा जमाए दर्जनों गरुड़ मटर गश्ती करते दिखते हैं। भागलपुर के लोग गरुड़ को भगवान स्वरूप मानते हैं। इन गरुड़ों की खासियत है कि यह पेड़ पौधों में कीड़े नहीं लगने देते। ये कीड़े मकोड़े फसल बर्बाद करने वाले चूहों को भी खा जाते हैं। सरकार गरुड़ों के लिए सालाना 40 लाख रुपए खर्च करती है। भागलपुर के सुंदर वन में गरुड़ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। यह दुनिया का एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। यहाँ बीमार गरुड़ों का इलाज भी किया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गरुड़ों के लिए यहाँ का वातावरण अनुकूल है। यहाँ इनकी पूजा की जाती है। देश के कई हिस्सों से लोग गरुड़ को देखने कदवा पहुँचते हैं। पहले गरुड़ के लिए कंबोडिया का नाम लोग जानते थे, लेकिन अब भागलपुर का नाम गरुड़ के लिए भी जाना जाता है। वहीं भागलपुर वन एवं पर्यावरण विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीत ने बताया कि इस गरुड़ का कंबोडिया, असम के अलावा कदवा क्षेत्र में प्रजनन केंद्र है। स्थानीय लोग गरुड़ की रक्षा करते हैं, उन लोगों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। हम आपको बता दें कि असम में सबसे ज्यादा गरुड़ पाए जाते थे, लेकिन भागलपुर ने असम को भी मात दे दी है। 2006 के बाद की बात करें तो 16 वर्षों के अंदर गरुड़ों की संख्या यहां 9 से 10 गुना तक बढ़ी है। इन गरुड़ों ने भागलपुर का नाम विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। भागलपुर से हमारे सहयोगी विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। गरुड़ का प्रजनन क्षेत्र माना जाता है और काफी संख्या में यहाँ पर गरुड़ आते हैं। जी हाँ, पूरी हकीकत है इसमें कि गरुड़ का सबसे बड़ा क्षेत्र ये माना जाता है। एशिया में इसका महानतम स्थान है कदवा का, और कंबोडिया वगैरह के बारे में जानते हैं हम। और यहाँ पर इतने इनका मतलब श्रद्धा से इनको पूजा जाता है कि कोई इसे तंग नहीं करते हैं। 4 लाइन गुजर गया है, लोग आते रहते हैं, और डिपार्टमेंट सबसे जंतु विज्ञान विभाग से और नए पौध के लोग, नए बच्चे वगैरह, हमारे सर वगैरह आते रहते हैं। इससे हम लोगों को भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत मिलके खुशी होती है। और यहाँ पर विकसित होने का सबसे बड़ा कारण है कि नदी है, नदी से ये अपना चारा पानी आसानी से ला लेते हैं, मछली वगैरह, और इसलिए सुगम स्थल है। जैसा कि आपने बताया अभी कंबोडिया से। जी हाँ, जैसा कि जान रहे हैं गर्मी ज़्यादा होने पर ये पलायन कर जाते हैं मार्च वगैरह के बाद, अप्रैल में, और पुनः ये जुलाई के बाद अगस्त के प्रथम सप्ताह होते होते इनका इन मेहमानों का आगमन हो जाता है गरुड़ों का। और यहाँ का क्षेत्र भी इसे देखते रहते हैं, क्षेत्र आने जाने वाले लोग भी इनको देखकर काफ़ी रोमांचित होते हैं। बड़े श्रद्धा से लोग राहगीर भी चलते हैं, तो फोटो लेते हैं इनका। और यह पूजनीय है, देवत्व के समान है, भगवान के समान है। और गीता पुराण वगैरह में भी इनका वर्णन हुआ है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है गरुड़ों का। इसलिए क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार, उत्कर्मित उच्च विद्यालय खैरपुर कदवा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।